अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर सत्ती और आप देख रहे हैं PDTV। बानी PTI इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर के तमाम इकदामात की हमायत करते हुए एक बार फिर फौज और आर्मी चीफ पर हमला किया। इमरान खान साहब ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक खतरनाक पोस्ट की है, इस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा PTI के गिरफ्तार MNAs के लिए पार्लियामेंट लॉजिस को सब जेल करार दे दिया गया है और फैसल वाडा पूरी मुस्लिम लीग नून पर भारी है, वो किस तरह, इस पर भी बात होगी। और आईनी तरमीम के हवाले से बात करेंगे कि आईनी तरमीम जो हुकूमत लेके आ रही है उसमें PTI के लिए क्या सरप्राइज हो सकते हैं। और कायदे आजम मोहम्मद अली जिना की तारीख में पहली बार बरसी बांग्लादेश में मनाई गई, इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करें, फेसबुक पेज पर हमें फॉलो करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो बात का आगाज करेंगे इमरान खान साहब के अली अमीन गंडापुर की मुकम्मल हमायत के ऐलान के हवाले से। तो खान साहब ने पहले तो अली अमीन गंडापुर से फौज पर हमले करवाए, फेडरेशन से बगावत का ऐलान कराया और अब इमरान खान साहब ने भी मजीद आग लगाने के लिए नई तहरीक चलाने का ऐलान किया है और अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट की है और एक बार फिर फौज और आर्मी चीफ को टारगेट किया है। 1971 का जिक्र करते हुए इमरान खान साहब ने इशारा दिया कि KPK में भी 1971 जैसे हालात हैं और CMKP अली अमीन गंडापुर ने KPK में 1971 जैसे हालात पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इमरान खान साहब ने पैगाम दिया कि अवाम बाहर निकलने के लिए तैयार रहे, आज़ादी के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, मैं और मेरी बीवी जेल में हैं। खान साहब को चाहिए कि पहले अपने बेटों को बाहर से बुलाकर इस तहरीक इंतशार को लीड करने का कहें और 9 मई को जिन लोगों ने आपके लिए कुर्बानियां दी और जो लोग आज आपकी वजह से जेलों में हैं 9 मई के वाकयात के बाद, तो उनका आज तक इमरान खान साहब ने जिक्र नहीं किया और ना ही PTI की लीडरशिप ने। तो एक बार फिर इमरान खान साहब पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनको एक आग में झोंकने जा रहे हैं और नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ एक बार फिर खेल रहे हैं। मुल्क तोड़ने की इंतजार फैलाने की ये साजिश इंशाल्लाह नाकाम होगी और खान साहब जवाब दें कि 12 साल से KPK में उनकी हुकूमत है तो उन्होंने 12 साल में क्या किया, वहां पे लोगों को क्या रोजगार दिया, तालीम दी, वहां से दहशतगर्दी का खात्मा किया। तो इन सब का जवाब है कि नहीं, बल्कि इमरान खान साहब ने उल्टा दहशतगर्द अफगानिस्तान से लाके KPK में दोबारा बसाए। अब नाज़रीन बात करते हैं आईनी तरमीम के हवाले से। तो हुकूमत ये दावा कर रही है कि नेशनल असम्बली और सेनेट में नंबर्स पूरे किए जा चुके हैं और ज़राए के मुताबिक PTI के वो 41 अरकान जो आज तक आज़ाद हैं, जिन्होंने किसी पार्टी से वफादारी के हलफनामे जमा नहीं करवाए, उनमें से कुछ लोग इस आईनी तरमीम को सपोर्ट करेंगे और इस तरह हुकूमत इस आईनी तरमीम को दोनों ऐवानों से पास कराने में कामयाब हो जाएगी और इस तरमीम में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत में 65 साल से 68 साल करने की तजवीज़ और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत 62 से 65 करने की तजवीज़ की गई है। इसके अलावा जजेस तैनाती के हवाले से भी हुकूमत शायद ये तरमीम करने जा रही है कि अब से जजेस की तैनाती हुकूमत करेगी या वजारत कानून करेगी। इसके अलावा जस्टिस काजी फैज़ ईसा भी शायद अपने ओहदे पर बरकरार रहें और उन्हें 1.5 साल की तोसी मिल जाए। अगर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा तोसी नहीं लेते तो सूरत में ये कहा जा रहा है कि इस तरह की तरमीम भी हुकूमत ला रही है कि चीफ जस्टिस की तैनाती वज़ीर आज़म करेंगे और वो सीनियरिटी की बेस पर नहीं होगी बल्कि उसी तरह होगी जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती होती है और उनको वज़ीर आज़म को 5 नाम दिए जाते हैं GHQ की तरफ से। तो अदलिया से वज़ीर आज़म 5 नाम मांगेंगे और उन 5 में से किसी एक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाएगा। तो फिर सईद मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे जो PTI ख्वाहिश कर रही है। इसके अलावा नाज़रीन साफियों ने PTI के लीडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट कर दिया और कहा कि अगर अली अमीन गंडापुर 24 घंटे के अंदर जो उन्होंने साफियों पर इल्ज़ाम लगाए हैं उसकी माफ़ी नहीं मांगते तो उस सूरत में PTI के लीडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर नहीं किया जाएगा। तो अली अमीन गंडापुर ने इसका जवाब दिया और उन्होंने गरीदा फारूकी का नाम लेते हुए इल्ज़ाम लगाया कि गरीदा फारूकी पैसे लेके बयानियां बनाती हैं। अब नाज़रीन बात करते हैं PTI के गिरफ्तार MNAs के हवाले से। तो जो ही PTI के MNAs को गिरफ्तार किया गया तो स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज़ सादिक PTI के सामने लेट गए। पहले PTI के MNAs को हीरो बनाकर असम्बली में लाया गया और अब पार्लियामेंट लॉजिस को सब जेल करार दे दिया गया।
तो PMLN की क्यादत बुजदिल है, जो एक ख्वाजा आसिफ के अलावा कोई भी PTI के सामने डट कर खड़ा नहीं हुआ, और PMLN से बेहतर तो फैसल वाडा हैं जो PTI को आज आड़े हाथों ले रहे हैं। अब नाज़रीन आखिर में आपको ये बताते हैं कि तारीख में पहली बार कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी बांग्लादेश में मनाई गई, और ये कहा गया कि अगर कायद आज़म ना होते तो ना पाकिस्तान होता और ना ही बांग्लादेश होता। नाज़रीन आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी प्रेस करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह ने के बान, एंड कीप वॉचिंग PDTV।